गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप भी आज तक फीलिक्स केलबर्ग को नहीं जानते तो समझ लीजिए कि आप बस कुछ गिने चुने लोगों में हैं जिन्होंने कभी प्यूडीपाई नाम का यूट्यूब चैनल डिस्कवर नहीं किया है। मगर ज़्यादातर लोग उसे फीलिक्स के नाम से नहीं बल्कि प्यूडीपाई के नाम से जानते हैं। प्यूडीपाई YouTube की सबसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, जिसके YouTube पर 100 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। साथ ही सबसे पहले YouTube पर व्लॉगिंग का ट्रेंड लाने वाला भी प्यूडीपाई ही है। प्यूडीपाई का जन्म 1989 में स्वीडन में हुआ। उसने अपना YouTube चैनल 29th of April 2010 में शुरू किया और अपनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के उसने यूट्यूब पर गेम्स खेलना शुरू कर दिया। व्लॉगिंग करते करते वो बहुत रिच और सक्सेसफुल बन चुका था। वो यूट्यूब पर गेमिंग कंटेंट पोस्ट करने लगा, जिसमें वो अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग गेम्स खेलता था। फिर धीरे धीरे उसने कैजुअल टॉकिंग वीडियोस और कॉमेडी स्किट्स बनाना भी शुरू कर दिया। साल 2013 के आते आते वो ऑलरेडी यूट्यूब की मोस्ट सब्सक्राइब्ड पर्सनैलिटी बन चुका था और 2015 में वो पहला ऐसा पर्सन बन गया जिसकी वीडियो पर 10 बिलियन व्यूज़ थे। फिर 2019 में उसने एक नई हिस्ट्री तब बनाई जब वो ऐसा फर्स्ट इंडिविजुअल यूट्यूबर बना जिसने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए। प्यूडीपाई के सब्सक्राइबर्स ने तो बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल पॉप स्टार्स जैसे जस्टिन बीबर, एड शरीन और एरियाना ग्रांडे को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एंड एज यू नो, मोर सब्सक्राइबर्स मीन्स मोर मनी। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग फीलिक्स AKA प्यूडीपाई ने लास्ट ईयर 15.5 US मिलियन डॉलर अर्न किए। साथ ही एडवर्टाइजर्स एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए उसे 4,50,000 US डॉलर्स देने तक को तैयार हैं। मगर लास्ट ईयर टी सीरीज प्यूडीपाई का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना, जब इन दोनों चैनल्स के बीच 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए एक एपिक बैटल हुआ और लास्ट में टी सीरीज़ ने ये मार्क पहले कंप्लीट किया। मगर ये बैटल दोनों ही चैनल्स के लिए काफ़ी सक्सेसफुल प्रूव हुआ, क्योंकि जो कंपटीशन 66 मिलियन सब्सक्राइबर्स से शुरू हुआ था वो कुछ ही महीनों में दोनों ही चैनल्स में 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँच गया। मैं आपको बता दूं कि जब प्यूडीपाई ने अपनी पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब पर फोकस करने के बारे में सोचा तब उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया। तब उसने खुद ही अपना चैनल ग्रो करने की सारी जिम्मेदारी उठा ली और रोड साइड पर हॉट डॉग्स बेचकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। और एंड में उसके हार्डवर्क ने उसके पेरेंट्स को ये प्रूव कर दिया कि उसका पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब स्टार्ट करने का डिसीजन बिल्कुल सही था। गाइज, प्यूडीपाई के सब्सक्राइबर्स ने तो उसी की कंट्री स्वीडन की पॉपुलेशन तक को मात दे दी। साल 2012 में फीलिक्स ने एक कॉन्टेस्ट जीता जिसमें उसे किंग ऑफ द वेब का अवार्ड मिला। और इंटरेस्टिंगली, फीलिक्स ने कॉन्टेस्ट से जीते सारे प्राइजेस को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया। स्पीकिंग ऑफ चैरिटी, प्यूडीपाई हमेशा से ही ऐसे यूट्यूबर के रूप में जाना गया है जो हमेशा से अपनी इनकम का एक पार्ट चैरिटी वर्क में लगाता है। सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन में भी प्यूडीपाई ने काफ़ी डोनेशंस की हैं। अपनी कई यूट्यूब वीडियोस में तो वो अपने फैंस को भी इनवाइट करता है, जिन्हें वो ब्रो आर्मी कहकर बुलाता है, ताकि वो भी चैरिटी में पार्ट ले सके। YouTube के सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होने की वजह से नो वंडर प्यूडीपाई कोई भी गेम खेले उसका लोगों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बट इसके साथ साथ जो गेम्स ज़्यादा सेल और ग्रो नहीं हो रहे होते वो प्यूडीपाई के खेलते ही ग्रो होने लगते हैं और सभी बड़े गेमर्स उन गेम्स को खेलने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्यूडीपाई पहला ऐसा यूट्यूबर है जिसने स्लेंडर गेम खेलना शुरू किया और इसके बाद तो स्लेंडर गेम पूरे मार्केट में फैल गया। इसके साथ साथ गेम ड्रेड आउट को भी प्यूडीपाई की वजह से काफ़ी ग्रोथ मिली। गाइस, पब्लिक फिगर होने की वजह से मीडिया, फैंस और यहाँ तक कि हेटर्स की काफ़ी ज़्यादा अटेंशन प्यूडीपाई को मिलती रही है। मगर जब ये लिमिट क्रॉस हुई और ब्रो आर्मी यानी उसके फैंस ने उसके घर तक पहुंचने की कोशिश की, तब उसे स्वीडन में अपना घर छोड़कर ब्राइटन इंग्लैंड में मूव करना पड़ा, जहां पे वो क्वाइटली रह सके और अपने फैंस के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप इस वीडियो ने आपको भी अपनी लाइफ में हार्डवर्क करने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया होगा।
अगर आप लोग भी इस मिलियनेयर यूट्यूबर के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।